आपने थंबनेल तो पढ़ा ही होगा, मर्दों का सील। हमने औरतों के सील के बारे में तो सुना है, जिसको हम हाइमेन कहते हैं। एक्चुअली हाइमेन औरतों का सील होता नहीं है, ये तो लोग बताते हैं कि हाइमेन औरतों का सील है, बट एक्चुअली हाइमेन कोई सील नहीं है। उसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिसको इसे पीरियड ब्लड बाहर आता है। तो ठीक वैसे ही मर्दों का भी एक ऐसा चमड़ी के परत है जो सील की तरह काम करता है, और जिसके टूटने के बाद मेल पार्टनर जो है वो अपनी वर्जिनिटी खोता है। तालियां। खैर, ये जो मेल पार्टनर का सील होता है ये किसको कहते हैं? देखिए, मेल पार्टनर की जो लिंग होती है ना, उसके नीचे के हिस्से में एक चमड़ी होती है जो ऊपर के और नीचे के हिस्सों को, चमड़ी को जोड़ती है। जो लिंग के ऊपर की जो चमड़ी होती है उसके साथ नीचे की जो चमड़ी होती है उसको जॉइंट करता है, और इस हिस्से को, इस चमड़ी को फ्रेनुलम कहा जाता है। नेचुरली ये जो फ्रेनुलम होता है ये इलास्टिक चमड़ी है, और जो लड़के एक अर्ली सर्टेन एज से हस्तमैथुन करना शुरू करते हैं, यानी कि मास्टरबेशन शुरू करते हैं, उन लड़कों में ये फ्रेनुलम जो होता है अपने आप इलास्टिक हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और वो पीछे आ जाती है। नेचुरली शुरू में लड़कों को थोड़ा दर्द हो सकता है, और जो लड़के फर्स्ट टाइम इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है, उनको भी थोड़ा बहुत पेन वगैरह महसूस हो सकता है, बट डरने की बात नहीं होती, क्योंकि ये एक इलास्टिक चमड़ी है और इसीलिए धीरे धीरे ये अपनी इलास्टिसिटी बढ़ाती जाती है और एक कंफर्ट जोन में आ जाती है। 100 में से 90% लड़कों को ये जो फ्रेनुलम होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसकी इलास्टिसिटी ठीक ठाक होती है और अपने आप ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेच भी हो जाती है। बट 10% लड़कों के केस में ऐसा होता है कि ये जो चमड़ी होती है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, और जिसकी वजह से उन्हें हैंड प्रैक्टिस करने के टाइम पे और इवन फिज़िकल रिलेशन बनाने के टाइम पे भी पेन महसूस हो सकता है, खिंचाव सा महसूस हो सकता है, इवन बहुत बार तो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए ब्लड भी बाहर आ जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है, लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मुसली। सफेद मुसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इस कंडीशन को फ्रेनुलम टियर कहा जाता है, पर दोस्तों बहुत लोग फाइमोसिस के साथ फ्रेनुलम टियर को जोड़ देते हैं, पर दोनों एक चीज नहीं होती। फाइमोसिस एक अलग कंडीशन है, फ्रेनुलम टियर एक अलग कंडीशन है, और दोनों के ही मेडिकल ट्रीटमेंट्स अलग अलग होते हैं। मेडिकल टर्म्स भी अलग है, इसके ट्रीटमेंट्स भी अलग है, और दोनों अलग चीज भी है। नेचुरली फ्रेनुलम टियर के केस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक इलास्टिक चमड़ी होती है। किसी किसी का इलास्टिसिटी कम होता है और जिसकी वजह से उसको खिंचाव महसूस होती है। अगर आप एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो वो कुछ दवाई के ज़रिए इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे तेल का इस्तेमाल करते हैं, मालिश ऐसे करवाते हैं जिससे धीरे धीरे आपकी जो चमड़ी है, फ्रेनुलम है जिसको कहा जाता है,
उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। बहुत ही कम केस में, रेयर केस में सर्जरी की जरूरत होती है, जिसको फ्रिनुलोप्लास्टी कहा जाता है। और ये जो सर्जरी होती है वो उतना पेनफुल होता भी नहीं है, बट ये बहुत ही रेयर केस में होता है। नेचुरली डॉक्टर्स दवाई के जरिए या फिर तेल के जरिए आपके इस प्रॉब्लम का समाधान कर ही लेते हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस कंडीशन में हो, शर्माओ नहीं। अगर मैं लड़की हो के इसके बारे में सोशल मीडिया पे बात कर सकती हूँ, तो आप एकांत में किसी डॉक्टर से विजिट नहीं कर सकते? खुद के लिए करो यार, ये जो प्रॉब्लम है ये आपके इंटीमेट लाइफ को, आपके मैरिड लाइफ को ख़राब कर सकता है। आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, उस तरीके से आप इंजॉय नहीं कर पाते हो, आपको पेन महसूस होता है, तो क्या फ़ायदा? एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपके प्रॉब्लम का सलूशन अच्छे तरीके से निकाल देंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।